नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube के एजुकेशनल चैनल आर्यन कला में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा कलकत्ता ग्रुप, बम्बई ग्रुप और इन सभी पे जो ग्रुप के आर्टिस्ट कलाकार थे और उनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। ये दूसरा पार्ट वीडियो आप देख रहे हैं, तो इसमें आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कलकत्ता ग्रुप के सदस्य कौन कौन थे। तो कलकत्ता ग्रुप के सदस्य जो थे वो गोपाल घोष थे, निरोध मजुमदार थे, हेमंत मिश्र थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये पूछता है कि बम्बई के प्रगतिशील कलाकारों के साथ उन्होंने प्रदर्शनी कब की। तो 1950 ईस्वी में ये लोग बम्बई के प्रगतिशील जो कलाकार थे उनके साथ 1950 ईस्वी में इन्होंने प्रदर्शनी किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये पूछता है कि किस सन में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई थी। तो पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी और वो दिल्ली कब बनी यही पूछा जाता है। तो अंग्रेजों के माध्यम से बना था, तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली बना था, 1911 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है कि बंगाल में दुर्भिक्ष का समय क्या था। तो सन 1933 से 34 ईस्वी जो था वो दुर्भिक्ष का समय था। आगे क्वेश्चन आता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। ये जो इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता भी है बंगाल का विभाजन कब हुआ। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन जो है 1947 ईस्वी में हुआ था। पूर्वी भाग पाकिस्तान के पास चला गया था बंगाल का विभाजन होके। ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछता है कि 1922 ईस्वी में कलकत्ता में बहोश कलाकारों की प्रदर्शनी किसके द्वारा हुई थी। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये पीछे भी मैं बता चुका हूँ। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो दो बार तीन बार आ सकते हैं आपके वीडियो में, एक वीडियो नहीं इससे पहले मैं बता चुका हूँ, इसमें में ही आया है, तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसमें आया है। ठीक है, तो 1922 ईस्वी में कलकत्ता के बहोश कलाकारों की प्रदर्शनी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा की गई। आगे क्वेश्चन पूछता है कि कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1854 ईस्वी में कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना हुई थी। आगे क्वेश्चन ये है कि कलकत्ता ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो मुख्य उद्देश्य था वो कला की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत एवं अंतर्राष्ट्रीयता की त्रिवेणी को प्रवाहित करना, यानी जो कला अपने अंदर की व्यक्तिगत कला है उसको भी और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कला है सबको फैलाना, बांटना। ठीक है, आगे कुछ उक्ति है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है, उसको ये कहा जा रहा है कि अब कलकत्ता के चित्रकारों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आ गया है और उस जनता पर भी जिसके लिए वे अपने चित्र बना रहे हैं। कुछ साल पहले देश में व्याप्त अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो आज भी उसी सीमा तक मौजूद है, आज तक पर्याप्त उपलब्धियां हुई हैं, लेकिन ये उपलब्धियां उसका आधा अथवा चौथाई हिस्सा भी नहीं है जिसकी संसार को भारत में अपेक्षा है। ठीक है, इस समय की उस समय की ये कंडीशन थी, उस पर ये चर्चा की गई है। आगे क्वेश्चन पूछता है कि कलकत्ता ग्रुप के कलाकार क्या चाहते थे। तो कलकत्ता ग्रुप के जो कलाकार थे वो पाश्चात्य दासता से मुक्त कराकर भारतीय कला को अंतर्मन की पुकार एवं आधारित करना चाहते थे। तो अंतर्मन की जो पुकार पर आधारित करना चाहते थे भारतीय कला, ठीक है, पाश्चात्य कला को भारतीय कला के अंतर्मन की पुकार, जो उनकी आत्मा कहती थी उस हिसाब से उसको बनाना चाहते थे। ठीक है, अब कलकत्ता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब और किसके प्रयास से हुई। तो 1944 ईस्वी में हुई थी प्रथम प्रदर्शनी और मिसेज मैसी के प्रयास से हुई थी कलकत्ता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी। आगे क्वेश्चन है कि प्रगतिशील ग्रुप के साथ मिलकर उन्होंने अपनी प्रदर्शनी कब आयोजित की थी। तो 1950 ईस्वी में आयोजित की थी। कलकत्ता ग्रुप के संयोजन सदस्य कौन थे। तो संयोजक सदस्य जो थे वो प्रदोष दास गुप्ता थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप ध्यान देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है गोपाल घोष कलकत्ता के कैसे कलाकार माने जाते हैं। तो बोही मियन कलाकार माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन ये है कि हेमंत मिश्र कैसे चित्रकार थे, किस प्रकार के चित्रकार थे। तो मौन साधक के रूप में प्रसिद्ध थे
हेमंत मिश्र जी, ठीक है। इनके अतिरिक्त वेशभूषा से क्रांतिकारी और कृतियों से विद्रोह, ठीक है। इसके अतिरिक्त वेशभूषा से क्रांतिकारी और कृतियों से विद्रोह, इनका जो साधन था, इनका जो माध्यम था, ये जो प्रचलित हुए थे, ये सब इनकी विषय समझ लीजिए था, ठीक है। नीरोध मजूमदार का दूसरा नाम क्या था? तो नीरज चौधरी, नीरज चौधरी जो था ये नीरोध मजूमदार का दूसरा नाम था। आगे पूछता है कि नीरोध मजूमदार अपने चित्रों में कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? तो देवनागरी लिपि, अर्थात जो हम पढ़ लिख रहे हैं, ठीक है, ये देवनागरी लिपि है, तो यही लिपि का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, और सारे भ्रामरी लिपि और बहुत सारी लिपि दे देता है, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, नहीं अगर देवनागरी ही होता तो क्यों देता, ठीक है। तो याद रखेंगे मजूमदार का देवनागरी लिपि था। और कलकत्ता रूप के कलाकारों को क्या कहकर पुकारा गया? तो मानवतावादी कहकर पुकारा गया। उस समय की जो परिस्थिति थी उसको देखते हुए एके स्वामी यानी आनंद कंटेश कुमार स्वामी ने ये उक्ति कहा है, ये उक्ति कहा है कि कलकत्ता के भारतीय चित्रकारों के आधुनिक स्कूल का कार्य राष्ट्रीय पुनः जागृत का एक पक्ष है, जबकि 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों की यह इच्छा थी कि वह भारत को इंग्लैंड बना दे। तब बाद के कार्यकर्ता समाज में एक ऐसी अवस्था वापस लाने या बनाने का प्रयत्न कर रहे थे जिससे भारतीय संस्कृति में अभिव्यक्ति और लागू आदर्शों का अधिक गहराई से मनन किया जा सके। ये आनंद कुमार स्वामी ने कहा था, लिखा था अपनी पत्रिका में। तो आगे क्वेश्चन ये पूछता है कि रतिन मित्र के चित्रों की विषय क्या थी? आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान देंगे कि जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके विषय क्या थे, जिन पे आप एक लिस्ट बनाएंगे और उसको बढ़िया से याद कर लेंगे। और रतिन मित्र के चित्रों के विषय जो थे, निर्धन वर्ग के जीवन की संवेदना, ये उनका विषय था। आगे है चांदनी रात चित्र के कलाकार कौन थे? तो गोपाल घोष का ये चित्र है, ठीक है, गोपाल घोष का बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। और माखन दत्त गुप्त की मुख्य रुचि किस ओर थी? तो व्यावसायिक कला की ओर थी। द इलस्ट्रेटेड वीकली के मुख्य पृष्ठ पर परितोष सेन का चित्र किसने छापा था? तो माइकल ब्राउन ने छापा था। और परितोष सेन के गुरु का क्या नाम था, ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परितोष सेन के गुरु जो थे देवी प्रसाद राय चौधरी थे। सन 1962 में परितोष सेन की कार्यों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसने बनाई? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने बनाई थी, ठीक है। कल्याण सेन के दो प्रसिद्ध चित्रों के नाम बताइए? तो मुखर सौंदर्य टेम्पर रविवार की सुबह, ये कल्याण सेन के दो प्रसिद्ध चित्रों में से एक हैं। आगे क्वेश्चन है कि नॉर्मन ब्लांडर मेमोरियल मेडल प्राप्त करने वाले कलाकार का नाम बताइए? तो नीरोध मजूमदार हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और आप सब्सक्राइब भी किए हैं अगर बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा वीडियो का, और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा और एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से होगी, ठीक है। और अगर कोई सुझाव देना है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अच्छा वीडियो लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।